ये आप देख सकते हैं, काफी अंधेरा है और काफी लो हाइट है इस रूम का। ये आप देखेंगे इसका छत, इसका जो सीलिंग है काफी नीचे है, और ये कब्रों के बीच से ये निकला हुआ है ये पेड़। ये आप देख सकते हैं काफी अजूबा है ये, काफी यूनिक व्यू है ये। ये देख सकते हैं आप, ये पीछे का एरिया है इस मकबरे का, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी पतली सीढ़ी दिखेगी। ये देखेंगे आप, ये दोनों साइड ये ऊपर जा रही है ये सीढ़ी, ये इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये कम चौड़ाई वाले पिलर है और उसके ऊपर ये बड़ा गुंबद, ये इसको यूनिक बना रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ दिल्ली के मैरोली एरिया में, और ये मैरोली का आर्कोलॉजिकल पार्क है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये एक मकबरा है, इसे लोदी टॉम बोलते हैं, और ये लोदी के टाइम में, लोदी डायनेस्टी के टाइम में इसे बनाया गया था। उस टाइम के जो भी लोग थे उन्हें यहाँ दफनाया गया था, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं है कि एक्चुअली ये किनका किनका यहाँ पर कब्र है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जो पूरा मकबरा है इसका स्ट्रक्चर। तो अभी मैं इसे अंदर से दिखाता हूँ आपको किस तरह से है, तो हमारे साथ बने रहो। तो फ्रेंड्स, अब अंदर चलते हैं और आपको चलकर दिखाते हैं ये मकबरा किस तरह से है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंटर करते ही आपको राइट साइड में ये एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे इस मकबरे का इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, ये आप देख सकते हैं। और ये व्यू है इसका, ये बाहर से ये आप देखेंगे मेहराब नुमा, इसकी दीवार में ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये डिज़ाइन बना हुआ है, और ये बड़े बड़े पत्थर से बनाया गया है। ये लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और लाइम स्टोन से इसे बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सामने इस तरह से वॉल है और उस पर इस तरह से डिज़ाइन बनाया हुआ है, और ये आप देखेंगे ये यहाँ पर इस तरह से है। ये भी एक रूम सा है, ये आप देखेंगे ये काफ़ी अंधेरा है, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है और काफ़ी लो हाइट है इस रूम का। ये आप देखेंगे इसका छत, इसका जो सीलिंग है काफ़ी नीचे है, ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हॉन्टेड सा लग रहा है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं काफ़ी डार्कनेस है यहाँ पर, ये पता नहीं ये क्या था उस टाइम पे बना हुआ, ये आप देख सकते हैं। इसका दीवार में इस तरह से चारों साइड में आपको इस तरह का दिखेगा, ये काफ़ी हॉन्टेड लग रहा है फ्रेंड्स। देखेंगे आप इसके इस साइड भी, यहाँ पर ये अंदर एक छोटा सा एक स्पेस बना हुआ है, इसका क्या पर्पस रहा होगा ये पता नहीं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बिल्कुल मेहराब नुमा ये बना हुआ है इसका एंट्रेंस, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या था, क्यों बनाया गया था ये पता नहीं। और इसके इस साइड भी बिल्कुल वैसे ही दीवार में डिज़ाइन बना हुआ है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मेहराब नुमा ये। और ये फ्रेंड्स ये देखेंगे, ये उस टाइम का ये कुआं हुआ करता था, ये शायद ये कुआं था उस टाइम का, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये पहले कुआं हुआ करता था, ये बंद है, और ये आप देख सकते हैं ये इसके साइड का व्यू, ये बिल्कुल चारों साइड इसके जो है इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है दीवार में, इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ये बड़े बड़े पत्थर से बनाया गया है, ये लाल बलुआ पत्थर मोस्टली इसमें लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। और इसका क्या, ये आप देखेंगे यहाँ पे एक ताक, ये एक स्पेस सा बना हुआ है, यह दिया जलाने के लिए स्पेस हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह से ये मेहराबदार डिज़ाइन वाला ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको चारों तरफ इसके वॉल्स में दिखेगा, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखेंगे इसके हर तरफ एक खासियत आपको दिखेगी यहाँ पर, एक खास बात कि इसके हर तरफ दीवार में जो है मेहराबदार डिज़ाइन इस तरह से बना हुआ है,
ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे भी आप देखेंगे, और ये देख सकते हैं आप, ये इसका कंस्ट्रक्शन, ये पता नहीं इसका क्या पर्पस होगा इस तरह का स्पेस बनाने का, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये चारों साइड एक तरह का है कंस्ट्रक्शन इसका। और फ्रेंड्स अब हम लोग इसके बैक साइड आ गए, ये आप देखेंगे ये बैक साइड भी पूरा, ये एक पैसेज है, ये पैसेज है, और ये आप देखेंगे एक लाइन से पूरा इस तरह का मेहराबदार डिज़ाइन बना हुआ है इस पूरे दीवार में बैक साइड में, और ये पीछे से एक रास्ता है ये, और ये इधर पूरा जंगल है, ये जंगलों के बीच में है पूरा, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बैक साइड का। और ये फिर इसके दूसरे साइड का व्यू ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बैक साइड में पीछे से भी रास्ता है ऊपर जाने का, इधर मकबरा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ये आप देखेंगे ये पैसेज है, ये रास्ता है बैक साइड का, और यहाँ पर ये सीढ़ी है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस मकबरे के बैक साइड में हूँ, ये पीछे का एरिया है इस मकबरे का, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी पतली सीढ़ी दिखेगी, ये देखेंगे आप ये दोनों साइड, ये ऊपर जा रही है ये सीढ़ी, ये इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो अभी मैं ऊपर आता हूँ इस तरह से, आप देखेंगे काफी पतली है, काफी नैरो है ये सीढ़ी, आप देखेंगे ये स्टेज काफी नैरो है, और अभी मैं इसके ऊपर आ गया हूँ यहाँ इस मकबरे के। और अभी मैंने आपको नीचे से दिखाया था पूरा किस तरह से है ये मकबरा, किस तरह से इसका कैंपस है नीचे, तो और अभी मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ किस तरह से ये, तो ये आप देख सकते हैं ये सामने ये छतरी आपको दिखेगा एक सामने, और इसके नीचे कई कब्रें हैं, और ऊपर देखेंगे कई कब्रें हैं यहाँ। तो अभी मैं आपको इसे दिखाता हूँ किस तरह से है, और क्लोजअप भी दिखाऊंगा और इसके बारे में बताता हूँ, तो हमारे साथ बने रहें। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से है, ये आप देखेंगे यहाँ पे कई कब्रें हैं, आपको यहाँ पर कई कब्रें दिखेंगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उधर भी आपको कई कब्रें यहाँ पे दिखेंगी जो लोदी के ज़माने का है, लोदी डायनेस्टी के वक्त का, ये आप देख सकते हैं ये कई कब्रें हैं, और ये सारी कब्रें जो हैं ये करीब 600 साल पुराने हैं ये सारे कब्र, ये देख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक, ये पूरा एक देखेंगे आप ये छतरी बना हुआ है, ये काफ़ी बड़ा है ये छतरी का जो आप देखेंगे ये साइज, उसका जो रेडियस है, और इसके नीचे भी कई कब्रें हैं। तो अभी मैं इसे आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि किस तरह से है ये, इस तरह का जो है छतरी इतना बड़ा बहुत ही रेयर आपको मिलेगा देखने को, ये आप देख सकते हैं ये पूरा ये बाहर से पूरा काला है ये छतरी का रंग आप देखेंगे, और इसमें आप देखेंगे कई पिलर्स, ये आप देखेंगे ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे ये पिलर्स हैं, और इस पिलर से के ऊपर ये आप देखेंगे ये छतरी है, ये काफ़ी यूज है, काफ़ी बड़ा है ये छतरी, और इसके नीचे देखेंगे फ्रेंड्स ये यहाँ पर जो है ये तीन कब्रें हैं जो जिनका नाम कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये किनका कब्र है, बट ये लोदी के टाइम में, ये लोदी डायनेस्टी के टाइम में, ये हो सकता है कि ये बहलोल लोदी थे या सिकंदर लोदी जो थे, ये उनके खासम खास होंगे, ये इसलिए यहाँ पर इनका जो है कब्र के ऊपर छतरी बनाया गया है। तो ये लोदी डायनेस्टी के टाइम के कोई ख़ास लोग होंगे जिनका कि यहाँ पर कब्र बनाया गया है, और उसके ऊपर इस तरह से छतरी बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। या तो मैं अभी इसके चारों तरफ मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से है ये, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो हमारे साथ बने रहें। ये चारों तरफ ये जंगल है, ये देख सकते हैं, और इस जंगल के बीच में ये बना हुआ है ये मकबरा, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी
बड़ा गुंबद है ये, देख सकते हैं आप इसका कंस्ट्रक्शन काफी यूनिक है ये, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये पिलर्स का बहुत ज्यादा चौड़े नहीं है, ये कम चौड़ाई वाले पिलर्स हैं और उसके ऊपर ये बड़ा गुंबद ये इसको यूनिक बना रहा है। इस तरह का बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, या तो शायद ना मिले देखने को। और ये देखेंगे इस पे यहाँ पे छज्जा बना हुआ है इस तरह से, काफी यूनिक कंस्ट्रक्शन है इसका, ये आप देख सकते हैं काफी यूनिक है। ये काफी यूनिक है इसका कंस्ट्रक्शन, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका व्यू, ये काफी, ये गुंबद का रंग पूरा काला है, ये आप देख सकते हैं। और ये और भी कब्रें हैं यहाँ पर जो शायद इनके रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स का होगा, ये आप देख सकते हैं। इधर कई कब्रें हैं, यहाँ पर कई कब्रें आपको दिखेंगी। ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखेंगे छत पे पेड़ है, ये ऊपर आने के बाद आपको ये पेड़ दिखेगा, ये ऊपर आने के बाद आपको ये पेड़ दिखेगा साथ में। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स एक और यहाँ पे पेड़ है, और ये कब्रों के बीच से ये निकला हुआ है ये पेड़, ये आप देख सकते हैं। काफी अजूबा है ये, काफी यूनिक व्यू है ये, ये देख सकते हैं आप ये पेड़, ये सामने ये गुंबद मकबरे का, और ये यहाँ पे ये कब्रों के बीच में ये आप देखेंगे ये पेड़ निकला हुआ है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक, ये आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू। अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और अभी मैंने आपको दिखाया ये लोधी टॉम, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नई जगह में नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें और टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।